गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे किसी भी प्रकार के ट्रांजिशन पर प्रतिस्थापियों के प्रभाव को। उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट। देखिए, किसी भी कंपाउंड में जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, तो उस कंपाउंड का अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है और उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू लो हो जाती है। किसी भी कंपाउंड में इंट्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जैसे कि एसिटिल ग्रुप इत्यादि हो सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप हो सकते हैं, साइनाइड ग्रुप हो सकते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होते हैं और ये किसी कंपाउंड में सब्स्टिट्यूट होने पर अब्सॉर्प्शन बैंड को लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, मीन्स लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है। अब्सॉर्प्शन बैंड के इस प्रकार लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना वर्णोपकर्षी विस्थापन यानी कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है और इसे हम ब्लू शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यूवी विजिबल रीजन में लोअर वेवलेंथ की तरफ ब्लू कलर प्रेजेंट होता है, तो अब्सॉर्प्शन मैक्सिमा का लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना ब्लू शिफ्ट भी कहलाता है। ऐसा कब होता है? अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसेचुरेटेड ग्रुप में हम एक CH2 समूह और ऐड कर दें या फिर उसके कंजुगेशन को ख़त्म कर दें तो अब्सॉर्प्शन बैंड शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। देखिए, इसका डायग्राम अपन देख सकते हैं। ये पहले पुराना वाला अब्सॉर्प्शन बैंड है, इसके लिए लैम्डा मैक्स की ये वैल्यू है, और ये नया वाला अब्सॉर्प्शन बैंड है, इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है, जिसे हम वर्णोपकर्षी विस्थापन या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं। ये देखिए, एजोबेंजीन है, इसमें दोनों फेनिल ग्रुप यहाँ पर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हैं, तो इसकी कोई अब्सॉर्प्शन वैल्यू यानी इसके लिए कोई एक लैम्डा मैक्स वैल्यू होती है। अगर इन दोनों के बीच में एक CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, इंसर्ट कर दिया जाए, तो यहाँ इन दोनों का कॉन्जुगेशन ख़त्म हो जाता है। कॉन्जुगेशन ख़त्म होते ही अब्सॉर्प्शन बैंड शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसे हम वर्णोपकर्षी विस्थापन या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। वर्णोपकर्षी विस्थापन वास्तव में सोलवेंट एवं टेम्परेचर से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। देखिए, यदि किसी कंपाउंड में कोई ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दिया जाए जो सोलवेंट बैंड की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, तो उस ग्रुप को हम हाइपरक्रोमिक ग्रुप कहते हैं और उसका यह इफेक्ट हाइपरक्रोमिक इफेक्ट कहलाता है। यानी अब्सॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी का बढ़ना या फिर उसके मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट एप्साइलन की वैल्यू में वृद्धि होना क्या कहलाता है? हाइपरक्रोमिक इफेक्ट कहलाता है। इस प्रकार के इफेक्ट में लैम्डा मैक्स में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, लैम्डा मैक्स हमारा वहीं का वहीं है, यानी अब ये इस तरीके से हमें सिग्नल या बैंड प्राप्त होगा। नेक्स्ट इफेक्ट है, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। चलो अपन एक बेंजीन और टोलुइन के लिए जब बी बैंड को देखा जाता है तो बी बैंड की वैल्यू बेंजीन के लिए 204 पर हमें मिलती है। बेंजीन के लिए एप्साइलन मैक्स यानी मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू
204 आती है, जबकि टोलुइन के लिए यानी हमने कोई हाइड्रोजन को हटाकर इसमें CH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो उसके लिए एप्साइलन मैक्स की वैल्यू 225 होती है। अतः बेंजीन में CH3 ग्रुप का प्रतिस्थापन करने पर हाइपरक्रोमिक इफ़ेक्ट इसमें उत्पन्न होता है। इसी तरीके से हम पिरिडीन का एग्जांपल देख सकते हैं। पिरिडीन में एप्साइलन मैक्स की वैल्यू 2750 होती है, लेकिन जैसे ही पिरिडीन में एक मेथिल इंट्रोड्यूस करवाते हैं और 2-methyl पिरिडीन हम प्राप्त करते हैं, उसके एप्साइलन मैक्स की वैल्यू देखने पर 3560 यानी कि इसमें हाइपरक्रोमिक इफ़ेक्ट हमें मिलता है। नेक्स्ट है हाइपोक्रोमिक इफ़ेक्ट। यदि किसी कंपाउंड में कोई प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट ऐड करने पर वो बैंड की इंटेंसिटी में यानी उसकी एप्साइलन मैक्स में कमी कर देता है तो उस सब्स्टिट्यूएंट का यह इफ़ेक्ट हाइपोक्रोमिक इफ़ेक्ट कहलाता है। देखिए इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये इसका कर्व है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बैंड हमें मिल रहा है बिना किसी सब्स्टिट्यूएंट ऐड किए, और अब सब्स्टिट्यूएंट ऐड करने के बाद में ये इफ़ेक्ट हाइपरक्रोमिक इफ़ेक्ट होने के कारण एप्साइलन मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है। ये देख सकते हैं अपन, पहले एप्साइलन मैक्स की वैल्यू ये थी और अब ये कम हो गई है, इसे हाइपोक्रोमिक इफ़ेक्ट कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, बेंजीन है, बेंजीन के लिए बी बैंड की वैल्यू जैसा अपन ने अभी ऊपर देखा था एप्साइलन मैक्स 204 पे आता है, और अगर हम एक हाइड्रोजन को क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसके लिए एप्साइलन मैक्स की वैल्यू 190 होती है, यानी कि इनके इसमें क्लोरीन के सब्स्टिट्यूशन द्वारा बेंजीन में हाइपोक्रोमिक इफ़ेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। अतः क्लोरीन प्रतिस्थापी एक हाइपोक्रोमिक इफ़ेक्ट उत्पन्न करने वाला ग्रुप है। इसी प्रकार का एग्जांपल एक और हम बाईफिनाइल का देख सकते हैं। बाईफिनाइल में अब्जॉर्प्शन बैंड एप्साइलन मैक्स की वैल्यू 19,000 होती है, जबकि बाईफिनाइल का मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जो कि 2-methyl बाईफिनाइल है वो अब्जॉर्प्शन बैंड एप्साइलन मैक्स वैल्यू 10,250 होती है, यानी यहाँ मिथाइल ग्रुप बाईफिनाइल में हाइपोक्रोमिक इफ़ेक्ट इंट्रोड्यूस करता है या डेवलप करता है, मीन्स इनके लिए एप्साइलन मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है। इन सभी इफ़ेक्ट्स को डायग्रामेटिकली हम एक साथ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपन ने एक्स एक्सिस पे लैम्डा वैल्यू ली है और वाई एक्सिस पे मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट एप्साइलन लिया है, और ये नॉर्मल पाई टू पाई स्टार कोई ट्रांजिशन है। अगर इसकी लैम्डा मैक्स बढ़ जाती है, हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो यह बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहलाता है। अगर किसी प्रतिस्थापी के प्रभाव से इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू कम हो जाती है तो यह वर्णोपकर्षी विस्थापन हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है, ब्लू शिफ्ट कहलाता है। अगर सब्स्टिट्यूएंट के इफ़ेक्ट से इसकी वैल्यू अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा सॉरी एप्साइलन मैक्स बढ़ जाता है तो इसे हाइपरक्रोमिक इफ़ेक्ट, और एप्साइलन मैक्स के कम होने पर हाइपोक्रोमिक इफ़ेक्ट कहा जाता है। दैट्स इट ऑल अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अन्य प्रभावों के बारे में बात करेंगे। मेथिल समूहों के प्रतिस्थापन से मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री में भी विकृति आ जाती है, डिस्टोर्शन हो जाता है, और उसी के कारण ये सभी इफ़ेक्ट प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्जुगेटेड ईन्स की। थैंक यू।